उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में नववर्ष मेले का शुभारंभ रविवार को किया गया। माता के दरबार में प्रतिवर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नववर्ष को लेकर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के पावन पिंडी के दर्शन करने के लिए चिंतपूर्णी पहुँचते हैं। डीसी राघव शर्मा की अगुवाई में मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। वहीं पुजारी वर्ग ने भी माता के इस पावन नववर्ष मेले के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए माता की विधिवत पूजा अर्चना करवाई। नववर्ष मेले के लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। माँ के सभी भक्तों को सर्वप्रथम नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 31 दिसंबर है और आज इस वर्ष 2023 वर्ष का अंतिम दिन है और मंदिर प्रशासन ने नववर्ष का मेला घोषित किया है जो कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगा। माँ के सभी भक्तों को इस नव वर्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष नव वर्ष पर मंदिर को हमारे श्रद्धालुओं द्वारा, प्रशासन द्वारा विभिन्न विभिन्न फूलों के साथ मंदिर को देशी विदेशी फूलों के साथ माँ को सजाया जाता है और आज जो कि साल का अंतिम दिन है, मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माँ जो आने वाला वर्ष 2024 है, माँ के सभी भक्तों के जीवन में हर्ष उल्लास आए और इस वर्ष नए वर्ष में माँ के चरणों में हम विनती करते हैं कि हमारे देश प्रदेश में कुछ आली आए, धन धान्य से समृद्धि हो। आज मंदिर में इतनी भीड़ है कि लोगों की श्रद्धा देखने लायक बनती है। सभी भक्तों को एक बार पुनः नववर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।